हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए, स्वागत है आपका LLTC यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। वैसे हेडिंग लगा हुआ आप लोग तो देख करके परिचित हो गए होंगे। शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम एनिमल्स एनिमल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। एनिमल्स हम सभी अपने बारे में अपने आप को ही देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी क्या है, कई सारे सेल्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। दैट मीन्स कहने का मतलब हम जो एनिमल्स हैं वो सबके सब हैं मल्टी सेलर हैं। मल्टी सेलर होने के साथ साथ अगर हमारी सेल की बात की जाए तो हम उन जीवों को बिलोंग करते हैं जो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते, अपनी खुद की फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। यदि अपने खुद के फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स हम सब क्या हैं, हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स और मल्टीसेलर हैं। तो ये तो बात, तो मल्टीसेलर होने के साथ साथ ये अंडरस्टूड हो चुकी है कि हम मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि सभी को पता है कि प्रोकैरियोट्स तो मल्टीसेलर हो नहीं सकते हैं, होते नहीं हैं। यूकैरियोट्स मल्टीसेलर होते हैं, तो हम यूकैरियोट्स मल्टीसेलर हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। हाँ, हम यदि एनिमल्स में बात की जाए तो इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे लोकोमोशन। दैट मीन्स कहने का मतलब, सर हम एक स्थान से मूव करके कहीं दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। बाहर में अभी धूप है, सनलाइट है, नाइट है, हवा चल रही है, ये सब फीलिंग्स करने की, सेंस करने की एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं सेंसेशन की प्रॉपर्टी है, सेंसेशन वाली प्रॉपर्टी है। और सेंसेशन वाली प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। क्लियर? तो एनिमल किंगडम के बारे में बात किया जाए, ये तो हम एनिमल्स की कुछ सामान्य प्रॉपर्टी हो गए। लेकिन इस तरह के एनिमल्स हम एक ह्यूमंस तो ही नहीं है इस दुनिया में, हमारी तरह हम ह्यूमंस की तरह और भी कई सारे एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज हैं। यदि मिलियंस ऑफ एनिमल्स स्पीसीज हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनके प्रॉपर्टी के मुताबिक उन्हें क्लासिफाई करने की आवश्यकता है। सर क्लासिफाई करने की आवश्यकता है, तो क्लासिफाई करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना होगा, प्रॉपर्टी की स्टडी करके उन्हें कैटेगराइज करना होगा, कुछ प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड रूप में लेना होगा। सर किस आधार पर हम किसी को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सर उनकी कैटेगरी करने का, क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या रहा है, अर्थात कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जानना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस जो हम मल्टीसेलर हैं, हम मल्टीसेलर का जो सेल का जो एक साथ एग्रीगेशन है, वो एग्रीगेशन का लेवल क्या है। सेल इकट्ठा हुए हैं तो क्या वो इकट्ठा हो करके एक साथ एक जैसे बिहेवियर उनकी है या नहीं है। अगर एक जैसे एक जगह इकट्ठा होने के बावजूद भी, मल्टीसेलर होने के बावजूद भी अगर उनकी बिहेवियर एक जैसी नहीं है, अगर उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है, तब तो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। है तो मल्टीसेलर लेकिन फिर भी वो क्या रह जाएंगे, सेलुलर ग्रेड का ही रह जाएंगे। हाँ, यदि ये बात है कि अगर सेल ढेर सारे मल्टीपल सेल्स इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा हो करके किसी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर बनावट एक जैसी है, तो हम अब उसे कहेंगे टिश्यू। दैट मीन्स अगला जो लेवल होगा वो टिश्यू लेवल हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है सर कि टिश्यू लेवल है, टिश्यू ढेर सारे टिश्यू इकट्ठा हुए हैं और वे आपस में कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर दिए। जब टिश्यू ढेर सारे टिश्यू इकट्ठा होंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे एक साथ मिल करके, तो वहां पे निर्माण होगा ऑर्गन का। किसका निर्माण होगा, ऑर्गन का। दैट मीन्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहां देखने को मिलेगी। ऐसा भी तो हो सकते हैं सर कि थोड़े और एडवांस हुए तो ढेर सारे ऑर्गन्स मिल करके कोऑर्डिनेट होकर के पूरी की पूरी एक बॉडी सिस्टम का तैयार निर्माण कर दिए, अर्थात कि यहाँ पे जो सिस्टम तैयार हुआ उसे हम नाम देंगे ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये टोटल चार तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। पहली सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल और अल्टीमेटली कहा जाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ लेते हैं। दाउ ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलर। यद्यपि हम सभी एनिमल्स क्या हैं, मल्टीसेलर हैं, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम सभी मल्टीसेलर हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारी जो पैटर्न है वो एक जैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स, लूज सेल्स एग्रीगेटेड, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंज में अगर बात की जाए, पोरीफेरा में यदि बात की जाए तो सेल सेल एक साथ इकट्ठा तो होते हैं लेकिन उनके बीच का आपसी जो संबंध होता है, जो इंटरलिंकिंग होता है, वो बहुत ही ज्यादा लूज होता है, बहुत ही ज्यादा लूज होता है। अर्थात कि लूज है इसकी वजह से वे एक साथ मिल करके प्रॉपरली किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम नाम देते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। हाँ, ये बात है कि डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का बंटवारा। सर, आप रेस्पायरेशन का काम कर लो, आप लोकोमोशन का काम देख लो, आप कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन का कार्य देख लो, इस तरह से कुछ कार्य का बंटवारा होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी ये क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही शो करते हैं। इसके आगे बात की जाए, इन सिलिंड्रिक्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, जो सेल है वो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अर्थात कि मिल करके किसी कॉमन ओरिजिन, कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन फंक्शन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे निर्माण हुआ टिशू का, किसका निर्माण हुआ, आर अरेंज इन टिशू, हेंस इज कॉल्ड टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यदि कहा जाए तो ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस। प्लैटीहेलमिंथेस जो है टिश्यू लेवल से भी थोड़ा ऊपर का, अर्थात कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न जो है वो शो करता है। एंड अदर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, each specialized for a particular function in animals like annelids, arthropods and mollusks, echinoderms and chordates, organs have associated, जो organs है एक साथ आते हैं, organs क्या होते हैं, एक साथ आते हैं to form a functional system, that means organ एक साथ आकर के organ system, functional organ system का निर्माण करते हैं। इस सिस्टम कंसर्न्ड विथ अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह का जो ऑर्गन सिस्टम है किसी न किसी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है और इसी तरह के बिहेवियर को शो करने वाले जीवों को कहा जाता है कि वो शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चारों के लिए दैट मीन्स ये अगर बात करें कि इनके अगर एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि सर कौन किसको शो कर रहा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो किया जा रहा है किसके द्वारा, स्पंज के द्वारा, स्पंज अर्थात कि फाइलम पोरीफेरा के द्वारा शो की जा रही है। वही उसी तरह से बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए किसके द्वारा, सिलिंड्रेट्स के द्वारा, अर्थात कि टिश्यू लेवल शो किया जा रहा है सिलिंड्रेट्स के द्वारा। लेकिन हाँ, सिलिंड्रेट्स के अलावे यहाँ पे हमें टीनोफोर्स जो ग्रुप है वो भी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल, यहाँ देखिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस। ऑर्गन्स जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो एकमात्र फाइलम अर्थात कि प्लैटीहेलमिंथेस के द्वारा शो की जाती है। और इससे ऊपर के फाइला, इससे ऊपर
के फाइला अगर बात की जाए, अदर हायर फाइला, अदर हायर फाइला, दैट मीन्स प्लैटी हेलमेंथी से ऊपर, अर्थात कि एस्के हेलमेंथी से, कहां से, एस्के हेलमेंथी से अगर बात की जाए, एस्के हेलमेंथी से लेकर के कॉर्डेटा तक, एस्के हेलमेंथी, एनिलिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, ये सब के सब फाइलम शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात हो गई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही थोड़ी सी अगर बात की जाए तो ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम आकर के इकट्ठे हुए ना, स्पेशलाइज फंक्शन के लिए वो क्या हो रहे हैं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो नाम भी उनका उनके फंक्शन के आधार पर होगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ढेर सारे इस तरह के हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमें यहाँ पे मेंशन्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न, वेरियस पैटर्न, इनका पैटर्न अलग अलग होता है, ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का पैटर्न अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटी हेलमेंथीज हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग। प्लैटी हेलमेंथीज में अगर बात की जाए तो केवल व केवल सिंगल ओपनिंग होता है, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सपोज कीजिए कोई ये एक जीव है, ये एक जीव है और ये एक सिंगल ओपनिंग है जिसके जरिए फूड एंटर कर रहा है, और इसी सिंगल ओपनिंग के जरिए जो वेस्ट है उसका रिमूवल हो रहा है। वेस्ट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ बोथ माउथ एंड एनस। दैट मींस ये जो ओपनिंग है ये इकलौता ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग है, और यही जो सिंगल ओपनिंग है अपने आप में कहा जाए तो माउथ के रूप में भी अपना बिहेवियर शो कर रहा है, इसके साथ साथ एनस के रूप में। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में जस्ट वेट अ मिनट एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स। देखिए अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स माउथ एंड एनस। वही अगर, ये तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई, लेकिन वही अगर किसी एक ऐसे जीव की, जैसे हम फिश की बात कर लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक फिश है, ये एक फिश है। अब इस फिश को आप परिचित हैं कि ये है माउथ, ये क्या है माउथ, माउथ के जरिए फूड का एंट्री होगा, इस तरह से कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी की पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक है, और ये जो ओपनिंग है कहीं ना कहीं वो ओपनिंग है जिसके जरिए वेस्ट का रिमूवल होता है। दैट मीन्स ये है एनस और ये है माउथ। तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का दो सेपरेट ओपनिंग हो, ये एक माउथ हो तो दूसरा एनस हो, इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं सर, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जिस तरह से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किए उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात की जा सकती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए क्या लिखा गया है। सिमिलरली इसी तरह से द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट है ओपन टाइप और सेकेंड है क्लोज टाइप।
ओपन टाइप और क्लोज टाइप, कहने का मतलब क्या हुआ सर, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं पर भी कोई भी जीव है तो उसमें ब्लड को पंप करने के लिए क्या होगा, हार्ट होगा, वो तो भी ऐसी बात है होगा ही होगा, लेकिन हार्ट यदि है, क्या है, हार्ट यदि है तो हार्ट ब्लड को पंप करेगा, पहली बात ब्लड को पंप करेगा अपने से पूरी की पूरी बॉडी तक, और बॉडी से फिर रिसीव करेगा। तो यदि वैस इनमें देखिए, ब्लड को बॉडी तक पंप करने के लिए एक डक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दूसरा डक्ट क्या होगा सर, ब्लड को बॉडी से रिसीव करने के लिए होगा, होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसे वेन कहा जाएगा, और जो एक्चुअल में ब्लड को बॉडी से बॉडी तक सर्कुलेट कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा, आर्टरी कहा जाएगा। लेकिन वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें वास्तव में हमें क्या दिखाई दे कि ये जो आर्टरी है आगे बढ़ करके कई सारे पतले पतले डक्ट के रूप में ये फैलता हुआ दिखाई दे, कई सारे डक्ट के रूप में फैलता हुआ दिखाई दे इस तरह से। अब देखिए इन डक्ट को हम क्या कहते हैं, वास्तव में अगर कहा जाए तो ये वास्तव में है ब्लड कैपिलरी, ये क्या होगा ब्लड कैपिलरी, इधर से इस तरह से ब्लड आया, इस तरह से देखिए ब्लड इस पतले पतले डक्ट के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, फिर से कलेक्ट हुए और वेन से ये आगे बढ़ते हुए हार्ट तक पहुंच जाएंगे। दैट मींस एक डक्ट सिस्टम पूरा का पूरा बन गया, डक्ट सिस्टम पूरा का पूरा बन गया जिसके अंदर अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी हो ही ना, ब्लड कैपिलरी यहां पे हो ही ना, सिंपली ये जो ब्लड है, सॉरी, ये जो ब्लड है कहीं ना कहीं ये बॉडी टिश्यू से डायरेक्ट पहुंच जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी टिश्यू तक पहुंच जाए, और बॉडी टिश्यू से डायरेक्टली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक, एक सॉरी वेन तक डायरेक्टली पहुंच जाए, यहां पर ये जो ब्लड है पूरे के पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं, देखिए क्या है ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ, दैट मीन्स जो हार्ट से ब्लड पंप किया गया वो सीधा बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, जहां पर कि सेल और जो टिश्यू है डायरेक्टली एकदम डूबे हुए हैं, गोता लगा रहे हैं ब्लड में, तो उस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, दैट मीन्स जो ब्लड वेसल्स है उसका एक सीरीज, एक के बाद एक इस तरह से सीरीज लिखा हुआ है, ऑफ वैरिंग डायमीटर, जिसका डायमीटर हो सकता है वैरी करता रहे, आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरी, तो उस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनफैक्ट हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है, अब तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हम अब हम लोग पढ़ते हैं अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ, और वो अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारी बॉडी सिमेट्री। क्या है बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री दैट मीन्स कहने का मतलब सिमेट्री, कहने का मतलब समानता, इक्वालिटी, कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी टर्म से जुड़ा हुआ है, तो वैसे
कोई प्लेन, वैसा कोई सेंट्रल एक्सिस, वैसा कोई सेंट्रल एक्सिस जो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और वो बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो कहने का मतलब वो बॉडी सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स पहला कैटेगरी हो सकता है कि कोई बॉडी सिमेट्रिकल है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है इंटू टू इक्वल हाफ में ये डिविजिबल है। दूसरा क्या हो सकता है सर? एसिमेट्रिकल, दो इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, नॉन डिविजिबल है इंटू टू इक्वल हाफ। तो इसे हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। तो वैसे जीव जहां पर कि जीवो कोई ऐसा सेंट्रल एक्सिस ही ना हो जिसके जरिए किसी जीव को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, तो उस तरह के जीव को कहा जाता है एसिमेट्रिकल। क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिकल। दूसरी तरफ अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो हो सकता है कि जीव ऐसा भी हो कि उसमें ढेर सारे सिमेट्रिकल एक्सिस मौजूद हो, एक्सियल प्लेन मौजूद हो, सेंट्रल एक्सिस मौजूद हो। तो वैसे जीव जिनमें ढेर सारे सेंट्रल एक्सिस मौजूद है जिसके जरिए बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, तो उस तरह के जीवों को कहा जाता है एक्चुअल में रेडियल सिमेट्री। क्या कहा जाता है सर? रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर कोई एक सिंगल एक्सिस मौजूद हो, सिंगल सेंट्रल एक्सिस मौजूद हो, तो उसे कहा जाएगा बायलेटरल सिमेट्री। क्या कहा जाएगा? बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री दैट मीन्स मल्टीपल सेंट्रल एक्सिस है, और बायलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब सिंगल सेंट्रल एक्सिस है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंज के बारे में क्या कहा गया सर? कि ये एसिमेट्रिकल है। दैट मीन्स एसिमेट्रिकल का हमारा एग्जाम्पल क्या है? स्पंज, दैट इज पोरीफेरा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पढ़ते हैं। That is any plane that passes through the center does not divide them into two equal half. That means इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा प्लेन मौजूद ना है, सेंट्रल एक्सिस मौजूद ना है, कि इसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकता है। When any plane passing through the central axis of the body divides the organ into two identical half, it is called radial symmetry. क्या बोला गया सर? When any plane, कोई भी plane पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन पास करा दीजिए जो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, ऑफ द बॉडी डिवाइड इन द ऑर्गन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। कोई भी कहीं से भी कोई भी लाइन पास करा दीजिए, प्लेन पास करा दीजिए, बस वो सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, उस तरह के बॉडी को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। और इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड इकाइनोडर्म्स। इसमें देखिए इकाइनोडर्म्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एडल्ट इकाइनोडर्म्स एक्चुअल में इकाइनोडर्मेटा की जो फाइलम है, पूरी की पूरी फाइलम, उसमें जो उनकी लार्वा वाला स्टेज जो होता है वो तो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो एडल्ट जो इकाइनोडर्म है वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है। एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। क्या कहा जा रहा? वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। कहने का मतलब वैसे एनिमल जो केवल व केवल एक सिंगल
सेंट्रल एक्सिस के जरिए दो इक्वल हाफ लेफ्ट और राइट में डिवाइड किए जा सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर? और ये हमें फाइलम कहां से देखने को मिलेगा? टीनोफोर्स के बाद ऊपर से प्लैटीहेलमिन्थेस से शुरू होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम अगले क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। और अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर्स। देखिए जर्म लेयर्स ये क्या है, सपोज कीजिए जाइगोट है। तो जाइगोट सबको पता है कि जाइगोट जब ग्रो करता है, सिंगल सेल जाइगोट है, मल्टी सेलर फॉर्म लेगा। मल्टी सेलर जब फॉर्म लेगा तो पूरे के पूरे बॉडी को बनाने के लिए ये कई सारे तरह के जर्म लेयर बनाता है। अब वो जर्म लेयर क्या हो सकते हैं? तीन तरह के जर्म लेयर हो सकते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। पहला एक्टोडर्म, सेकेंड हो सकता है एंडोडर्म, और थर्ड हो सकता है मीजोडर्म। थर्ड क्या हो सकता है? मीजोडर्म। तीन तरह के जर्म लेयर। कितने तरह के जर्म लेयर? तीन तरह के जर्म लेयर। तो वैसे जीव जिनकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट इन तीनों तरह के जर्म लेयर से हुआ है, तो उस तरह के जीव को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दो ही जर्म लेयर एक्चुअल में क्या करते हैं, पूरी के पूरे बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनमें ये जो लेयर है अर्थात के मीजोडर्म, ये होता है अब्सेंट। एक लेयर अब्सेंट है, शेष कितने रहे? दो। अर्थात के दो ही जर्म लेयर से पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है, तो उस तरह के जीव को कहा जाता है एक्चुअल में टू जर्म लेयर्स है, तो दो जर्म लेयर्स वाले को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर की बात करें तो एक हो सकता है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा हो सकता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए क्या है एनसीईआरटी की लाइंस, देख लेते हैं। एनिमल्स विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म। एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। यहां देखिए फिगर में, अगर फिगर में देखिएगा तो यहां देखिए ये क्या है, सबसे बाहर वाला है एक्टोडर्म, ये सबसे बाहर वाला। इसके बाद इंडोडर्म, यहां देखिए ये अंदर वाला, और बीच में अगर बात करें, ये जो बीच में लेयर है ये एक तरह का खाली लेयर है, वैसे ये वैकेंट नहीं है, यहाँ पे मौजूद होता है एक तरह का फ्लूइड जिसे कहा जाता है मेसोग्लिया। ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें किसी भी तरह की कोई सेल नहीं होती है। एक्चुअल में जर्म लेयर कितने हुए? वास्तविक में तो दो ही, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं सिलिंट्रेट्स और टीनोफोर्स, सिलिंट्रेट्स और टीनोफोर्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ये जो मीजोग्लिया है ये अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जो किसी सेल का नहीं बना हुआ है, जिसे हम मीजोग्लिया कह रहे हैं। ये मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। आगे अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, और वो थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सा है? मीजोडर्म। मीजोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इस तरह के एनिमल को क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यहां देखिए मीजोडर्म डेवलप हो चुका है प्रोमिनेंटली, और इसकी हेल्प से बॉडी फॉर्म का डेवलपमेंट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो इसे हम नाम देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की भी बात की जाए तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक सभी के सभी फाइलम
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते संभवतः। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग समझते हैं और वो है सिलोम, दैट मीन्स बॉडी कैविटी। क्या है बॉडी कैविटी? बॉडी कैविटी की बात करते हैं। बॉडी कैविटी वास्तविकता में अगर बॉडी कैविटी की बात की जाए, कैविटी खाली स्थान, लेकिन खाली स्थान भी हम किसे कहेंगे? वो खाली स्थान जो वास्तव में बनाया गया है मीजोडम के द्वारा। दैट मीन्स सपोज कीजिए ये गड्ढा है, तो इस गड्ढे में इधर भी मीजोडम है, इधर भी मीजोडम है, ये इस तरह से गड्ढा है और इस गड्ढा में अगर बात की जाए ये बीच का लेयर है, ये गड्ढा है, ठीक है। ये खाली स्थान जो कैविटी है तब कहा जाएगा वास्तव में जब मीजोडम इधर भी है इस तरह से और मीजोडम यहां पर भी है। ये जो बीच का जो गड्ढा है, बीच का जो स्पेस है, अब इस स्पेस को एक्चुअल में हम कहेंगे सिलोम। लेकिन अगर यही मीजोडम किसी एक तरफ हो, किसी एक तरफ हो, तो हम उसे एक्चुअल में बॉडी कैविटी नहीं कहेंगे, सिलोम नहीं कहेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब सिलोम तो ये भी हो सकता है सर, सिलोम हो भी सकता है, सिलोम नहीं भी हो सकते हैं। यहां से एक और बात नोट करने वाली चीज है कि सिलोम हम उसे ही कहेंगे जो मीजोडम के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? मीजोडम के द्वारा लाइन किया गया है। तो कहने का मतलब जब तक मीजोडम नहीं बनाया तब तक तो बॉडी कैविटी का बात ही नहीं उठता है। दैट मीन्स डिप्लोब्लास्टिक जितने भी होंगे उन डिप्लोब्लास्टिक में किसी भी तरह की कोई सिलोम देखने को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स सिलेंड्रेट और टीनोफोम में कोई डिप्लोब कोई सिलोम होगा ही नहीं। अगर सिलोम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? ए सिलोमेट। चलिए देखते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंस कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो कैविटी है बॉडी वॉल और गट वॉल, इन दोनों के बीच का जो कैविटी है क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडम, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडम इज कॉल्ड सिलोम। इस तरह के कैविटी को क्या कहा जाएगा? सिलोम कहा जाएगा। एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। वैसे एनिमल जिनमें सिलोम होता है, बॉडी कैविटी होते हैं, उस तरह के जीव को कहेंगे सिलोमेट्स। क्या कहेंगे सर? सिलोमेट्स। एग्जाम्पल एनिलीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडॉर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। वास्तव में अगर कहा जाए तो एस्केल्मेंथिस से ऊपर वाले फाइलम, एस्केल्मेंथिस से ऊपर वाले फाइलम सभी के सभी, अर्थात कि एनिलिडा से जो भी फाइलम आते हैं वो सब के सब सिलोम्स हैं, सिलोमेट हैं, ट्रू सिलोमेट्स हैं। क्लियर? इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम, इंस्टेड ऑफ मीजोडम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ जीवों में ऐसा भी देखा गया है कि बॉडी कैविटी खाली स्थान तो दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों तरफ का जो लाइनिंग है मीजोडम के द्वारा लाइंड नहीं है। हालांकि मीजोडम कहीं कहीं पे पाउच लाइक में फैला हुआ है, कहीं कहीं पे रैंडम रूप से, उसे हम वास्तव में यू सिलोमेट नहीं कहेंगे। उस तरह के जीवों को हम कहेंगे स्यूडो सिलोमेट। क्या कहेंगे? स्यूडो सिलोमेट। जैसे यहां देखिए, ये है एक्टोडर्म, ये है इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में यहां पर देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है? मीजोडम। लेकिन मीजोडम के अंदर जो कैविटी है यही थोड़ा सा कैविटी है वास्तव में, बाकी तो ये क्या है? मीजोडम के द्वारा लाइंड कैविटी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल कैविटी है। तो इसे हम ट्रू कैविटी नहीं कहेंगे, इसलिए इसे कहेंगे हम स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। लेकिन यहां पर देखिए तो यहां पर ये क्या है? एक्टोडर्म, ये है इंडोडर्म। और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बाद देखिएगा तो मीजोडर्म यहां पर भी है, मीजोडर्म यहां पर भी है। ये वाला पूरा का पूरा बीच वाला जो खाली स्थान है, जो कैविटी है, दोनों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा लाइन है। इस तरह के वॉल को कहेंगे हम, इस तरह के कैविटी को कहेंगे, इस तरह के जीव को कहेंगे सिलोमेट, यू सिलोमेट कहेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये एक्टोडर्म और ये इंडोडर्म। हालांकि ये प्लैटी एलमेंथिस में देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे मीजोडर्म तो है लेकिन देखिए तो कहीं पर कोई गड्ढा दिखाई दे रहा है? बीच में खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा। मीजोडर्म तो है बट
कैविटी नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिलोमेट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इंस्टेड द मेजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। हालांकि जो मेजोडर्मल पाउच है छोटे छोटे कहीं ना कहीं कैविटी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे यूसिलोमेट कहने के बजाय क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट। एंड द एनिमल्स पोसेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स। एग्जाम्पल एस्केलमेंथिज, और एस्केलमेंथिज एक लौता ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसिलोमेट्स वाली जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, हमें देखने को मिलती है। The animals in which the body cavity is absent, body cavity is absent, are called acoelomates. वैसे जीव जिसमें body cavity absent है, मेजोडर्म तो है but body cavity absent है, इस तरह के जीवों को कहा जाता है acoelomates। और इसका example है platyhelminth। संभवतः आप लोगों को coelomates, pseudocoelomates और acoelomates में difference स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और वो अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, सेगमेंट, सेगमेंट कहने का मतलब पार्टीशन, सेगमेंट कहने का मतलब पार्टीशन। दैट मींस ये एक छोटा सा पार्ट है, फिर से एक छोटा सा पार्ट है, और ये एक फिर से छोटा सा पार्ट है। कोई ऐसा जीव, कोई ऐसे जीव जिसकी कंप्लीट बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बात ध्यान रखेंगे, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल दोनों तरह के जो ऑर्गन्स हैं, या कहें तो जो पार्ट्स हैं, दोनों तरह के ऑर्गन्स हैं या कहें तो जो पार्ट्स हैं, वो वास्तव में क्या है, इस तरह से पैटर्न शो कर रहे हैं, एक के बाद एक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इस तरह से सेगमेंट वाइज टुकड़ा टुकड़ा। तो वैसे उस तरह के सेगमेंटेशन, उस तरह के जीव को कहा जाता है कि सर वो सेगमेंटेशन है, और वास्तव में इसे हम एक नाम देते हैं मेटामेरिज्मा। हालांकि कुछ जीवों में देखने में तो लगता है, लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन ना होता है, और ये हमें देखने को मिलता है तीन फाइलम में, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और हम कॉर्डेट्स में। तीन ही फाइलम ऐसे हैं जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहने का मतलब, अगर बॉडी के कुछ पार्ट्स, बॉडी के कुछ पार्ट्स अंदर से भी और बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी एक साथ अपना खुद के टुकड़ा टुकड़ा शो करे, और एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हो, इस तरह से रिंग लाइक, तो ये वाला जो टुकड़ा टुकड़ा और एक दूसरे को रिपीट कर रहा है, सेम स्ट्रक्चर लगभग, तो उसको कहा जाएगा सेगमेंटेशन, और इस तरह के बिहेवियर को ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिज्म कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स, डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन, लगातार रिपीटेशन, एक्सटर्नली और इंटरनली, बाहर से भी और अंदर से भी वो सेगमेंट में बटे हुए हैं, और अपने आप का लगातार रिपीटेशन शो कर रहे हैं ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स का। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी, कुछ ऑर्गन्स ऐसा कर सकते हैं तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, जो कि एनिलिड को बिलोंग करता है, The body shows this pattern called metameric segmentation। और यही जो पैटर्न शो किया जाता है अर्थवर्म के द्वारा, और इसीलिए इन्हें इसे कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है metameric segmentation। And the phenomenon is called as known as metamerism। क्लियर? चलिए अगला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है नोटोकॉर्ड। देख लेते हैं क्या है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में कहा जाए तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मौजूद होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मौजूद होता है, जिसका ओरिजिन होता है मेजोडर्म। ओरिजिन क्या होता है सर? मेजोडर्म। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ओरिजिन इसका होता है मेजोडर्म, मेजोडर्मली ये ओरिजिन होता है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं एक तरह का सपोर्ट, पूरे के पूरे इम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियो में दिखाई देता है। और एक और चीज, वैसे जीव जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही या कहे तो कभी भी नोटोकॉड दिखाई दे, उनके बॉडी में नोटोकॉड दिखाई दे, तो उस तरह के जीव को कहा जाता है कॉर्डेट्स। क्या कहा जाता है? कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉड है, नोटोकॉड है। और अब यदि नोटोकॉड नहीं है तो सर उसे कहेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट हैव नोटोकॉड। डू नॉट हैव नोटोकॉड, यदि नोटोकॉड नहीं है तो उसे हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। और इसीलिए हमारी कॉर्डेट्स एक अपने आप में फाइलम ही है, अपने आप में सबसे एडवांस फाइलम। और शेष की जो 10 फाइलम्स है वो 10 के 10 फाइलम नॉन कॉर्डेट्स में आती है। चलिए पढ़ लेते हैं। नोटोकॉड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सल साइड में यह बना हुआ होता है। एनिमल्स विथ नोटोकॉड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। वैसे एनिमल जिनमें नोटोकॉड पाए जाते हैं उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल, नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल देखिए यहाँ है, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। हालांकि यहाँ पे हेमिकॉर्डेट्स भी आता है। क्यों सर? हेमिकॉर्डेट्स, हेमी नाम क्या है? हेमिकॉर्डेट। वास्तव में हेमिकॉर्डेट्स को इनिशियली में कॉर्डेट्स में ही रखा गया था क्योंकि रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनके पास भी है, लेकिन उसे कहा जाता है स्ट्रोमोकॉर्ड। क्या कहा जाता है सर? स्टोमोकॉर्ड। ये भी एक तरह का रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन बाद में ये पता चला कि इसका ओरिजिन मेसोडर्मल ना होकर के ये इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्मल। और एक्टोडर्मल ओरिजिन होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। और ऐसे एनिमल को एक के लिए एक नया फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा। और इसीलिए ये भी आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में। क्लियर? तो संभवतः हमें उम्मीद है कि आप सबको ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हमारा जो सेशन रहा, आप सबको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट हो तो फिर से स्किप करें, फिर से आप इस लेक्चर को देखें, आपको हर तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हमारी जो लेक्चर है यहीं तक कंप्लीट की जाती है। धन्यवाद।